हेलो दोस्त, कॉमनवेल्थ गेम या रसमंडल खेल 2022 ख़त्म हो गया आपका। 8 अगस्त 2022 का भारतीयों की लड़कियों का क्या प्रदर्शन रहा और कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने स्थान, कितने ब्रॉन्ज, टोटल रैंक सब कुछ बात करेंगे और कौन से मेडल किसने जीता है उसके बारे में बात करेंगे। जो आगे आने वाले ग्रुप डी NTPC एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया, और भी कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन SSC या रेलवे के फ्यूचर में एग्ज़ाम होगा, जब तक नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया में नहीं आपका कॉमनवेल्थ गेम हो जाए तब तक पूछा जाएगा। तो आगे की बात हम नहीं करेंगे, इसमें केवल बात करेंगे खिलाड़ियों का क्या रहा प्रदर्शन। तो सबसे पहले देखिए, मेडल बार बार ये पूछा जाता है कि भारत का रैंकिंग क्या था। तो भारत दोनों तरफ से दो रैंकिंग भारत की थी, एक रैंकिंग आपका टोटल ओवरऑल मेडल में वो भी फोर्थ था, और एक गोल्ड मेडल के हिसाब से जो मेडल होता है उसमें भी फोर्थ, यानी इंडिया फोर्थ लेवल पे था, जिसमें गोल्ड की मात्रा संख्या क्वांटिटी 22, सिल्वर 16 और ब्रॉन्ज 23 और ओवरऑल 61 मेडल जीता। अब दूसरा सवाल आएगा आपके मन में कि कितने किस खेल से जीता। तो सबसे ज़्यादा खेल जीतने वाला आप समझ लीजिए भारत में कुश्ती मशहूर है। तो चलिए, कुश्ती में हमेशा मेडल आता है, इस बार भी कुश्ती में सबसे ज़्यादा मेडल आया है। तो कितने मेडल आया है? 12 आया है, 6 गोल्ड 6 गोल्ड 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। तो बधाई कुश्ती टीम के लिए। दूसरे नंबर पे कौन सा टीम रहा है जो कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज़्यादा मेडल जीता है भारत के लिए? तो वो है आपका वेट लिफ्टिंग, या भारोत्तोलन कह सकते हैं। वेट लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग में भारत को 10 मेडल मिले हैं, उसमें से 3 गोल्ड 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मिला है। तो ये भी एक अच्छी खबर है। उसके बाद अब रैंडम चूज कर लेते हैं, एथलेटिक्स एंड पैरा ओलंपिक, पैरा एथलेटिक्स कह सकते हैं, पैरा ओलंपिक नहीं, एथलेटिक्स एंड पैरा एथलेटिक्स। ये भी 8 मेडल लेके आया है, इसमें से 1 गोल्ड ही है आपके, 4 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है। तो एथलीट में भी अच्छा खासा आपका भारत का मेडल आया है। उसके बाद अगला गेम है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में भारत में अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है, और टेबल टेनिस के साथ पैरा भी जोड़ दीजिएगा, पैरा टेबल टेनिस में भी मेडल है, उसको भी आप इसी के साथ है। इसमें भारत को 7 मेडल मिले हैं, उसमें से 4 गोल्ड 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज, अच्छी बात है। उसके बाद अगले नंबर पे कौन सा आता है? तो अगले नंबर पे आता है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में भी भारत का हिस्ट्री अच्छा रहा है हमेशा, तो बॉक्सिंग में भी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, नाम भी बताएंगे कौन से खिलाड़ी किस में जीते हैं, वीडियो लंबा होगा थोड़ा। तो बॉक्सिंग में भी भारत को 7 मेडल मिला है, उसमें से 3 गोल्ड 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के रूप में है। उसके बाद अगला रैंडम लेते हैं, तो आपका बैडमिंटन, बैडमिंटन में भी अच्छा, अगला आपका बैडमिंटन है। तो बैडमिंटन में अगर देखें, तो बैडमिंटन में अगर सीधा सीधा देखें 6 मेडल बैडमिंटन से, एक मिनट, बैडमिंटन से 6 मेडल है, उसमें से 3 गोल्ड 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज है। उसके बाद जोड़ों में भी भारत को मिला है मेडल, वो मेडलों की संख्या 3 है, 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। जूडो के बाद कह सकते हैं अगला खेल जिसमें मेडल 2 मिला है वो आपका है हॉकी। हॉकी के मेंस और वोमेन टीम दोनों मेडल जीते हैं, मेंस टीम सिल्वर और वोमेन्स टीम ब्रॉन्ज जीते हैं। उसके बाद स्क्वैश बोल सकते हैं, जिसमें 2 मेडल मिला है और दोनों ब्रॉन्ज है भारत को। एक मेडल आपको क्रिकेट से महिला T20 में मिला है, वो भी है इसमें शामिल है। और लॉन बॉल्स जिसको बोलते हैं, इसमें भारत को पहली बार मेडल मिला है, ये भी एक 2 मेडल मिला है इसमें, लॉन बॉल्स कह सकते हैं, जिसमें पैरा बॉय हो सकता है, जिसमें भारत को 2 मेडल मिला है, 1 गोल्ड और 1 सिल्वर। अब ये मेडल जीते किसने, हमने सारे मेडल की बात कर लिया, जीता किसने? एक पैरा पावर लिफ्टिंग में भी मिला है, पैरा पावर लिफ्टिंग में 1 गोल्ड मेडल मिला है भारत को, इसको भी अब देख लेंगे। अब ये कौन कौन से जीते हैं उनके बारे में, खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत ज़रूरी है बात, इसके लिए तो थोड़ा हमें वेबसाइट का सहारा लेना पड़ेगा, और वो वेबसाइट किसी और का नहीं, डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट
रेलवे लाइफ LP.com भी मिलेगा, यानी वेबसाइट अपनी भी और डिटेल हमने अपडेट करते रहा था उससे आपको यहाँ पे इस पे दे देंगे। वेबसाइट का एड्रेस यहाँ है, और कुछ लोग कहेंगे कि सर्च करना है तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा वेबसाइट का एड्रेस। वहाँ से आप आके यहाँ पे जुलाई वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे इंडिया कॉमनवेल्थ गेम 2022 मेडल विनर का लिस्ट है। इस लिस्ट को हम ओपन कर लेंगे आपके लिए डायरेक्ट, तो इस लिस्ट हमने ओपन कर रखा है। इसमें ओपन करेंगे तो शुरू से लेके हम सारे चीज़ों को करेंगे। तो देखिए, भारत के तरफ से टोटल 210 प्लेयर भाग लिए थे और 210 में हमने 61 मेडल जीता है। तो विनिंग रेशियो आप सोचेंगे अच्छी खासी हमारी विनिंग रेशियो है। कह सकते हैं कि अगर हर तीसरा से प्लस खिलाड़ी एक मेडल जीतता है, प्लस में मैं बोल रहा हूँ, ऐसे तो 180 रहता तो तीसरा, 183 रहता तो तीसरा, लेकिन 210 है। लेकिन अगर कहे 3.21 ऐसा कुछ रखे संख्या, उसमें से एक खिलाड़ी मेडल जीत के आया है तो बधाई। स्थान क्या था तो बर्मिंगम, आप लोग इंग्लैंड जानते ही हैं। 8 अगस्त को शुरू हुआ, 8 अगस्त को ख़त्म हुआ, 28 जुलाई से शुरू हुआ। भारत की तरफ से फ्लैग बैरियर का किसने फ्लैग के लिए नॉमिनेट थे तो कुछ अनहोनी के कारण से नीरज चोपड़ा हट गए थे बाद में अभी तक जो हुए उसमें आपको पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, जो हमारे भारतीय हॉकी टीम के कप्तान और पीवी सिंधु, दोनों मिलके भारत की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी भाग लिए थे। अब मेडल की बात कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो देखिए, भारत की ओवरऑल रैंकिंग तो आपने देख लिया थंबनेल में ही, 4 है मेडल के टर्म में और पूरे के टर्म में भी। 22 गोल्ड, सिल्वर 16, ब्रॉन्ज 23 और टोटल 61। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया 67 गोल्ड, 57 सिल्वर, 54 ब्रॉन्ज, टोटल 178। इंग्लैंड दूसरे नंबर पे जो अपने कंट्री के नाम से, तो 176 मेडल, 57, 66 और 53 के रूप में गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज के रूप में। उसके बाद तीसरे नंबर पे कनाडा, पांचवें नंबर पे न्यूजीलैंड, छठे पे स्कॉटलैंड, सातवें पे नाइजीरिया, आठवें पे वेल्स। इसी तरह से नीचे देखेंगे, नौवें पे साउथ अफ्रीका, दसवें पे मलेशिया, ग्यारहवें पे आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड है, जमैका बारहवें पे, तेरह पे केनिया, सिंगापुर में ने 14, त्रिनाड टोबैगो 15, ऐसे ऐसे करके अगर देखेंगे तो टोटल करीब करीब यहाँ पे कितने कंट्री जिन्होंने मेडल कम से कम जीता है, तो यहाँ पे 39, 41, 41, 42, 43, 43 देशों ने मेडल जीता है। अगर टोटल मेडल समरी की बात करेंगे यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम में, तो 280 मेडल गोल्ड मिले हैं लोगों का, 282 सिल्वर और 315 ब्रॉन्ज, टोटल 817 मेडल बटे, उसमें से भारत के नाम में 61। चलिए, अपनी रेशियो ठीक है। अगर 40 देश भाग लिए हैं तो 40 देश को देखें तो 8×48 होता है, तो हम कहाँ हैं, नहीं यहाँ से देखें अगर 61 जीते हैं तो 6×24 यहाँ से, और यहाँ से 64 चौके है तो 1-0 और 1-0। हम मेडल तालिका में ज़्यादा जीते हैं, बाकी लोगों का कम है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा इसको डोमिनेट किए हैं। अब चलिए चलिए उसके बाद हम अपने अपने देश का क्या क्या मेडल इंडिया का रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से लिस्ट शुरू होता है पहले मेडल से। पहला मेडल किसके नाम था, संकेत महादेव, हर सीरियल नंबर में नहीं होगा लेकिन शुरू के कुछ मेडल सीरियल नंबर से है, संकेत महादेव सागर जी हैं। इन्होंने किस में मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता, इसको याद करिएगा। मैन 55 kg के वेट लिफ्टिंग में पहला मेडल आया था और ये इंडिया का पहला मेडल था। यहाँ से शुरुआत करते हैं और फर्स्ट में चलेंगे, तभी तो हम 61 तक पहुँचेंगे, नहीं तो बहुत वीडियो लंबा होगा। दूसरा गुरु राजा पुजारी, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता 61 kg कैटेगरी वेट लिफ्टिंग में ही। बाकी ये वेट याद करने की ज़रूरी नहीं है, कंपटीशन में वेट लिफ्टिंग, नाम, ब्रॉन्ज मेडल और कैटेगरी, इतना मोर देन सफिशियंट होता है। उसके बाद सिकोम मीराबाई चानू, हर बार की तरह भी इस बार गोल्ड में, 49 kg, ये याद रखिए, वेट लिफ्टिंग याद रखिए, क्लियर हो गया। उसके बाद अगला तीसरा के बाद चौथा की बात करेंगे तो बिंदिया रानी देवी सोरोकोम, इन्होंने क्या जीता वेट लिफ्टिंग में 55 kg में सिल्वर मेडल, ये भी आप देख लीजिए। उसके बाद जेरेमी लेरिनुंगा,
इन्होंने क्या जीता, गोल्ड 67 kg वेट लिफ्टिंग में। तो ये आपका हो गया। उसके बाद पांचवें के बाद छठा की बात करेंगे तो अचिंता सियोली, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 63 kg कैटेगरी वेट लिफ्टिंग में। यानी यहाँ तक देखें तो वेट लिफ्टिंग ही चल रहा है, शुरुआत में वेट लिफ्टिंग का ही मेडल आ रहा था, तो ये आप देखिएगा। उसके बाद आपका आता है अगला वेट लिफ्टिंग से हरजिंदर कौर, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता 71 kg कैटेगरी वेट लिफ्टिंग से, भारतोलन से ही। अगला मेडल सातवें के बाद आठवें मेडल की बात करेंगे, लगातार नहीं है, ये बीच में ब्रेक भी हो सकता है। उसके बाद सुशीला देवी लिंकावम, इन्होंने 48 kg में गोल्ड मेडल जीता। किसके बाद, तो आप कह सकते हैं कि ये भी एक इवेंट में था जूडो का, यानी आठवां मेडल आपको डाइवर्ट हुआ वेट लिफ्टिंग से जूडो की तरफ। उसके बाद विजय कुमार जी, इन्होंने भी जूडो में ही उसी दिन मेडल जीता था, लेकिन ये ब्रॉन्ज था, यानी एक तरफ से सिल्वर और एक तरफ से ब्रॉन्ज, जूडो में दो मेडल मिले थे, दोनों मेडल यहीं पे आ गए आपका। जूडो में तीन मेडल था, एक मेडल और आएगा नीचे, हाँ। उसके बाद 10 नंबर पे अगर देखेंगे तो 10 नंबर में लॉन बॉल्स में वुमेन फोर्स टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, ये भारत की हिस्ट्री में पहली बार ये मेडल था लॉन बॉल में, तो चलिए ये भी अच्छी बात है। उसके बाद टेबल टेनिस के मेंस टीम, जिसमें नाम भी लिखा हुआ नीचे पढ़ना चाहे तो, हरमीत देसाई, सुनील शेट्टी, शरत कमल, अचंता और सत्यन गणेशन ने मिलकर गोल्ड मेडल जीता था मेंस टीम टेबल टेनिस में। उसके बाद 12वें नंबर पे देखेंगे विकास ठाकुर जी सिल्वर मेडल जीते हैं, किसमें, 96 kg वेट लिफ्टिंग में, तो ये भी एक है आपका। उसके बाद 13वें नंबर पे देखेंगे बैडमिंटन की मिक्स इवेंट में सिल्वर मेडल भारत को मिला है, जिसके नाम भी नीचे लिखे हुए हैं, चिराग सेठी, उसके बाद स्वास्तिक स्वराज रेड्डी, बी सुमित रेड्डी वगैरह, लक्ष्य सेन, सब मिलके, और सारा मतलब मिक्स टीम है, तो मेंस और वोमेंस दोनों मिलकर टीम का। उसके बाद 14वां के ड्रॉप पे देखेंगे तो सिंह लवप्रीत सिंह, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, 109 kg है, वेट लिफ्टिंग है, तो आप नाम देख लीजिएगा और ये वेबसाइट पे पढ़ भी सकते हैं आपको वीडियो लंबा लगे तो। उसके बाद 15 नंबर की बात कर रहे हैं तुलिका मान, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वुमेन कैटेगरी के 78+ kg जूडो इवेंट में, यानी यहाँ पे आपको कह दे कि तीसरा मेडल जूडो का यहाँ से आ चुका है। उसके बाद सौरव घोषाल ब्रॉन्ज मेडल मैन सिंगल स्क्वाश में, स्क्वाश से हमें दो मेडल मिले थे, उसमें से एक सौरव घोषाल और एक और बात करेंगे नीचे अभी, उसमें भी सौरव घोषाल, साथ में कोई और मिक्स में। उसके बाद 17 नंबर है आपका सिंह गुरदीप वेट लिफ्टिंग ब्रॉन्ज मेडल 109 kg कैटेगरी। उसके बाद तेजाश्विन शंकर ब्रॉन्ज मेडल मेन हाई जंप, यानी एथलेटिक्स कह सकते हैं, मेंस हाई जंप में ये मेडल पहली बार मिला है, फर्स्ट बार, चलिए ये भी है और ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद श्री शंकर इन्होंने क्या जीता, तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता लॉन्ग जंप में, यानी एथलेटिक्स का मेडल। उसके बाद सुधीर गोल्ड मेडल पावर लिफ्टिंग, यानी पैरा पावर लिफ्टिंग में एक ही मेडल मिला था मैन हैवी वेट में, वो सुधीर ही थे। उसके बाद 21वें नंबर पे आएंगे अंशु मलिक, अब यहाँ शुरू होता है आपका रेसलिंग का। अंशु मलिक दो दिन रेसलिंग में ही चाहे थे भारत की तरफ से, सिल्वर मेडल ओमन फ्री स्टाइल 57 kg कैटेगरी। बजरंग पुनिया जी गोल्ड मेडल फ्री रेसलिंग वही 65 kg कैटेगरी। उसके बाद अगला साक्षी मलिक, सब एक दिन का ही ये मेडल है, यहाँ 21 से लेके आगे शुरू हो रहा है। साक्षी मलिक गोल्ड मेडल 62 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग। दीपक पुनिया गोल्ड मेडल 86 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग, और ये सेम डे मेले, ये चारों मेडल सेम डे है, अगला भी होगा। उसके बाद दिव्या करण, ये भी सेम डे ब्रॉन्ज मेडल वोमेन फ्री स्टाइल 68 kg कैटेगरी। मोहित ग्रेवाल ब्रॉन्ज मेडल फ्री स्टाइल रेसलिंग 165 kg, यानी ये 6 मेडल एक दिन सेम डे आए थे, वो हो सकता है 6 तारीख हो या 7 तारीख हो, 6 तारीख होना चाहिए, 6 तारीख को ये सारे मेडल आए थे 6/8/2022 को। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद है अविनाश मुकुंद सेबल, इन्होंने जीता है 3000 मीटर स्टेपलेस में सिल्वर मेडल, ये भी आप याद रखिएगा, ऐसा मेडल भारत में आता नहीं है, ये सब
साउथ अफ्रीकन देश इथोपिया किनिया वगैरह ले जाते थे, वहाँ भारत को भी मिला है कहीं ना कहीं एथलेटिक या पैरा एथलेटिक में। प्रियंका सिल्वर मेडल, ओमन 10,000 मीटर रेस वॉक, ये भी एक अलग तरह का, भारत में इस तरह का मेडल नहीं मिलता, ये भी साउथ अफ्रीका के ही आते हैं, तो चलिए यहाँ पे हमें मिला है। फिर लॉन बॉल्स का दूसरा मेडल जो मिला था वो मेंस फोर्स टीम का था, यहाँ पे ये मेडल हमारा कौन सा मिला है इसमें आगे देखेंगे तो कौन सा मेडल है, सिल्वर मेडल है, और कॉमनवेल्थ में ये दूसरा लॉन मेंस में है, एक गोल्ड और एक सिल्वर। तो चलिए उसके बाद 30 नंबर पे है अब्दुल्ला, नाम बहुत बड़ा है जी, अबू बेकर पढ़ लीजिएगा आप ही, इनका नाम 13 है, सिल्वर मेडल मैन ट्रिपल जंप में, तो ये भी एक कामयाबी है, जंप से 3-4 खिलाड़ी यहाँ से आ गए। उसके बाद इदोस पॉल, इन्होंने गोल्ड मेडल ट्रिपल जंप में ही, मेंस का ट्रिपल जंप, अच्छा खासा जंप में हमारी इस बार मेडल मिली है। उसके बाद संदीप कुमार, ये भी एक अच्छा मेडल है, आप कह सकते हैं ब्रॉन्ज मेडल है, लेकिन 10,000 मीटर रेस वॉक में, जिसमें हमें एक और मेडल मिला था यहाँ पे ऊपर में रेस वॉक में प्रियंका को, यहाँ पे मेडल आपका सिल्वर था। तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, आगे आपके पास है, अब यहाँ पे अनु रानी की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए जेवलिन थ्रो में, जेवलिन थ्रो से पहला ही मेडल था जो एथलेटिक के कैटेगरी में चला जाता है। निकत जरीन फिर गोल्ड पे पंजा, 48 kg से 50 kg में वोमेन कैटेगरी बॉक्सिंग में। अब चलते हैं अगला, अमित गोल्ड मेडल 48 से 51 kg और फ्लाई वेट कह सकते हैं, फ्लाई वेट कैटेगरी में बॉक्सिंग में। उसके बाद नीतू गोल्ड मेडल वोमेन ओवर 45 से 48 kg मिनिमम वेट कैटेगरी में बॉक्सिंग में। उसके बाद 37 नंबर पे है रोहित टोकास, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल 63.5 से 67 kg में और बॉक्सिंग में। उसके बाद ओमन हॉकी टीम ने भारत के लिए शानदार 16 साल बाद या 18 साल बाद, बहुत लंबे समय अंतराल कह सकते हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीता, ये भी एक आपके है। उसके बाद सागर सिल्वर मेडल मेंस 92+ सुपर हैवी वेट कह सकते हैं, उसमें बॉक्सिंग में जीता इन्होंने। उसके बाद चिराग चंद्रशेखर सेठी एंड स्वास्तिक शिवराज रिंका रेड्डी, इन्होंने क्या मेडल जीता, तो गोल्ड मेडल जीता मेंस डबल बैडमिंटन में, मेंस का डबल बैडमिंटन में। उसके बाद लक्ष्य सेन, इन्होंने 2 मेडल जीते और के साथ जीते हैं, यहाँ भी आ गए ग्रुप में भी थे, यहाँ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है सिंगल बैडमिंटन के बर्मिंगम में। उसके बाद पीवी सिंधु का तो सब लोग जानते हैं, पूरे साल वेंकटा सिंधु गोल्ड सिंगल वोमेन बैडमिंटन। उसके बाद ट्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद पुलेला, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल वोमेन के डबल बैडमिंटन में। उसके बाद मेन हॉकी टीम यहाँ पे सिल्वर मेडल, वोमेन ब्रॉन्ज मेन सिल्वर हॉकी टीम में, कप्तान मनप्रीत सिंह जो आपका फ्लैग बेरियर। उसके बाद अचंता शरद कमल, इन्होंने वन किया क्या गोल्ड मेडल मेन टेबल टेनिस में। उसके बाद अगला अचंता शरद कमल और श्रीजा अकुला, इन्होंने भी मेडल जीता कौन सा, तो गोल्ड मेडल, और ये आखिरी दिन का मैच लगभग था, इन्होंने मिक्स डबल टेनिस में जीता। उसके बाद सातियान गणेशन, इन्होंने सिंगल में टेनिस में क्या जीत किया है, ब्रॉन्ज मेडल, ये भी एक है। 47 के बाद आधा में देखिए सत्यान गणेशन और अचंता समकर, इन्होंने फिर से क्या जीता, सिल्वर मेडल मेन डबल टेबल टेनिस में। उसके बाद अगला है भाविना हसमुख भाई पटेल, ये पैरा से रिलेटेड है, पैरा कह सकते हैं, पैरा टेबल टेनिस वोमेन सिंगल क्लास 3-5 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और दूसरा साथ में और होंगे सोनाल बेन मुन्नी भाई पटेल, इन्होंने भी पैरा में ही पैरा टेबल टेनिस में मेडल जीता है, कौन सा, ब्रॉन्ज। तो यहाँ से पैरा टेबल टेनिस में 2 मेडल थे, टोटल टेबल टेनिस के 7 मेडल, उसमें से पैरा के 2 और 5 नॉर्मल का, तो ये 7 मेडल यहाँ से थे।
उसके बाद अगर दीपक नेहरा जी की बात करेंगे तो फिर से रेसलिंग शुरू हो रहा है, तो रेसलिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, 57 kg कैटेगरी है मैन फ्री स्टाइल का। पूजा सियाग ब्रॉन्ज मेडल वोमेन फ्री स्टाइल रेसलिंग 76 kg कैटेगरी। नवीन इन्होंने गोल्ड मेडल मैन फ्री स्टाइल 74 kg कैटेगरी। उसके बाद विनेश फोगट गोल्ड मेडल वोमेन फ्री स्टाइल 53 kg कैटेगरी। उसके बाद कुमार रवि गोल्ड फ्री स्टाइल रेसलिंग 57 kg, ये भी एक अच्छा है, इसको भी आप याद रखेंगे तो थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ दिया जाता है। उसके बाद पूजा गहलोत, इनका ब्रॉन्ज मेडल था फ्री स्टाइल वोमेन 50 kg कैटेगरी में। उसके बाद आपका किदाम्बी सिग्रीनाथ नामालकर कह सकते हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल बैडमिंटन में, तो बैडमिंटन में इस बार हम कुछ पीछे 6 मेडल ही रहा, पहले और उम्मीद रहती थी, बैडमिंटन में काफ़ी मेडल आता था तो इस बार 6 रहा है, ठीक ठाक है लेकिन उम्मीद रहता है कि ज़्यादा ही रहे। उसके बाद आपका जैस्मिन, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 57-60 kg लाइट वेट कैटेगरी बॉक्सिंग का, तो यहाँ से बॉक्सिंग शुरू होगा नीचे में अच्छा खासा। उसके बाद हुसैन उद्दीन मोहम्मद बॉक्सिंग में इन्होंने 54-57 kg में ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद वोमेन क्रिकेट भारत की तरफ से सिल्वर मेडल, फाइनल में हम हार गए लेकिन एक मेडल सिल्वर के रूप में। उसके बाद दीपका लास्ट वाला मेडल क्या है, तो दीपका पल्लिकल कार्तिक और सौरव घोषाल जो स्क्वाश का दूसरा मेडल है यहाँ से आया है, तो डबल स्क्वाश इवेंट में आया है और ये ब्रॉन्ज मेडल है। तो टोटल डिटेल हमने एक से लेके शुरू तक कवर कर लिया है कि 61 मेडल किसको किस खेल में मिला और कहाँ मिला, और मोटा मोटी उसकी हेडलाइन, इसमें बहुत कहानी नहीं लिखा हुआ है, इसमें टॉपिक में केवल डायरेक्ट पॉइंट लिखा हुआ है। तो उम्मीद है कि आने वाले एग्जामों में जब भी करें तो वीडियो देखिए, या आप जो www.railwaylifelp.com पे पोस्ट है उसको भी पढ़ लेंगे तो आपको मिल जाएगा सारा मेडल टेबी के हिसाब से। थैंक यू, धन्यवाद।